मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति के सदस्य व भाजपा नेता नव वर्तमान सभापति सरदार सिंह परिहार के यहां पर जन्मदिन की पार्टी का वीडियो सामने आया है। इसमें नास्ती बार डांसर पर पैसे लुटाने के साथ धनाधन फायरिंग भी की जा रही है, जबकि इस तरह के आयोजनों पर रोक लगी है। वीडियो 19 सितम्बर का है और जिसमें परिहार के निबुआपुरा स्थित घर पर जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया था और यह पर पार्टी सरदार सिंह के बेटे आकाश के जन्मदिन पर आयोजित की गई थी, जिसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था और शाम से देर रात तक चली इस पार्टी में डांसर के डांस को देखने के लिए बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ और सरदार सिंह के भाई रॉकी परिहार ने सबके सामने डांसर पर पैसे भी लुटाए। थाना प्रभारी मुरार शैलेंद्र भार्गव का कहना है कि फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में जो लोग गोली चलाते दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? नहीं, इसमें एक सूचना प्राप्त हुई है कि जो जिला पंचायत सदस्य सरदार सिंह परिहार हैं उनके घर कोई जन्मदिन था और उसमें उनके रिश्तेदारों द्वारा यह फायरिंग की गई है। अभी इसकी पुष्टि की जा रही है और वीडियो प्राप्त हो गया है, जिस पर जाँच पड़ते अग्रिम कार्रवाई की है। किस तरीके से उसका कार्रवाई की गई? अब जो पहले उनके नाम की तस्दीक कर रहे हैं, मोहल्ले में पुलिस भेजी गई है और घटना की पुष्टि होते ही इस मामले में कार्रवाई की है। वॉइस ऑफ राइट्स के ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।